बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ मैं हूं वहाब हसन। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। नवाज शरीफ ने एक बार फिर बड़ी अदालत का दरवाजा खटका दिया है। साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त जमानत जल्द सुनने के लिए एक और अपील दायर। केस को रवा हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा। लाहौर कोट लखपत जेल में बड़ी मीटिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 2 बजे नवाज शरीफ से मिलेंगे। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी कोट लखपत पहुंच गई। जेल हुकाम से मिलकर इंतजाम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस एहतसाब अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। बैंकिंग कोर्ट 15 मार्च को फैसला सुनाएगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में भी 4 दिन की तौसी। नैप ने केस की दूसरी पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल। नैप ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए तैयारी शुरू। नैब ने स्पीकर कौमी असेंबली को क्लीन चिट दे दी। आमदन से जायद असासों की तहकीकात बंद। असर कैसर के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भर्तियों के इल्जाम साबित हुए। ना ही नैब को आमदन से जायद असासों का सुराग मिला। मुल्क की तारीख में पहली बार कबायली अजला में अदालतों ने काम शुरू कर दिया। जुडिशल अफसरों समेत पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात। हजारों मुकदमात पॉलिटिकल इंतजामिया से अदालतों को मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम और मुद्दई में मैच पड़ गया। जमानत ना मिलने पर आपस में गुत्थम गुत्था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कराया। कराची मलीर नदी के करीब कत्ल की लर्जा खेज वारदात। घर से मां और बेटी की लाशें बरामद। दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कहीं फुहार कहीं बारिश मौसलाधार, कहीं सुरमई बादलों की मस्तियां। मुल्क भर में मौसम रंगीन। ईरान से आए बादल बलूचिस्तान और सिंध से होते हुए पंजाब में एंटर। लाहौर समेत कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। पिशावर में छम छम बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। और रोशनियों के शहर में पाकिस्तान सुपर लीग की चकाचौंध। ग्रुप मरहला आज मुकम्मल होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान दोपहर 2 बजे आमने सामने होंगे। शायकीन की नेशनल ग्राउंड आमद जारी। शाम 7 बजे कराची किंग्स और पेशावर में दूसरा जोड़ पड़ेगा। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ अहम खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।